गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस शाम के 6:50 हो रहे हैं और मैं अभी कर रहा हूँ अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो गाइस आज थोड़ी देर हो गई ब्लॉग बनाने में, क्योंकि घर में मैं अकेला था। कन्नू, मानसी, ईशु सारे लोग वहाँ नीचे महिला संगीत में गए हैं, तो शाम को होगी वहाँ पार्टी, तो देखेंगे अगर मैं भी जा पाऊँ तो। ये देखो मानसी आ भी गई है यहाँ से, और कन्नू ईशु तो नहीं आए, अभी आएगी। तो वहाँ नीचे अभी थोड़ी देर से पार्टी शुरू होगी, अभी तक तो महिला संगीत चल रहा था, पर कन्नू ईशु नहीं आए अभी, तो देखते हैं कब तक आए हैं। तब तक मैं दुकान में ही बैठा हूँ, इसलिए मैंने ब्लॉग थोड़ी देरी से स्टार्ट किया। ये लोग आ गए हैं, अब तो कोई बैठेगा दुकान में या मंजूरी लोग बैठेंगे, तो देखते हैं अभी कौन बैठता है। और मैं जाऊँगा फिर घर को, और पार्टी में भी जाएंगे शाम को ज़रूर। तो आज तो मज़ा आने वाला है ब्लॉग में, तो थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ, इंतज़ार करते हैं कौन आता है, मंजूरी लोगों का, फिर उसके बाद मैं चलता हूँ और तैयार होकर हम जाएंगे पार्टी में। गाइस मैं चलता हूँ घर को, आ चुके हैं दुकान में, और देखते हैं घर में मानसी क्या कर रही है। ओ मानसी, मानसी। तो गाइस ये लोग भी आ चुके हैं शादी से, मानसी कहाँ है, ये वहां से देखो गाइस, देखो इसे वहां से भी चाउमीन पैक करा के लाई है, शादी को भी नहीं छोड़ा। और ये बिन्नी तन्नू सब आ चुके हैं वहां से, शाम को। मानसी पता नहीं कहाँ गई है, बाहर दिख ही नहीं रही मुझे, अभी देखते हैं कहाँ है। तो गाइस ये आ चुकी है, पता नहीं कहाँ से आ गई। तो कन्नू ईशु पढ़ाई करेंगे, ये मंजूरी लोग तो सब घर आ चुके हैं, तो मुझे ही बैठना पड़ेगा थोड़ी देर दुकान में, और तो मैं दुकान में बैठता हूँ थोड़ी देर और अभी आऊँगा फिर बंद करके। कन्नू ईशु को भेजता हूँ घर, वो पढ़ाई करेंगे। तो जाओ, ये दोनों जने यहाँ बैठे जाओ घर। तो गाइस दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, तो दुकान बंद करते हैं, तो चलता हूँ घर को। तो अभी शादी में जाने का प्लान कुछ क्लियर तो नहीं है, देखते हैं अभी क्या होता है, जाएं या नहीं जाएं। तो अभी घर जाके सोचते हैं, जल्दी बढ़ाता हूँ दुकान। दुकान बंद कर दी है, चलता हूँ घर। हाँ है शादी का घर ये वाला, आ जा। मैं पहुँच चुका हूँ मैं घर। चलो चलो हम लेके चलते हैं भैया को तारा के सिनेमा। तने ने 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 और यहाँ देखो इतनी सारी तैयारी किसने की है, किसने की, किसने की, और मैंने करी है, आया मेरा, मैंने तो करी है। हाँ इन लोगों ने सीक्रेट छुपाया है, बाकी तैयारी पूरी मैंने करी है। तो मानसी ने की है सारी तैयारी, और ईशु ने भी करी है। ओ, बड़ा सरप्राइज मिला गाइस। चक्कर शादी में भी जाना है, तो आप तो बर्थडे है मेरा, मुझे पता नहीं था, बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है मुझे। तो देखो पूरा कमरा कैसे सजा हुआ है, इसीलिए मुझे दुकान भगा रहे थे बार बार, तो मुझे तो पता भी नहीं था। तो अब मैं तैयार हो जाता हूँ जल्दी से, क्योंकि एक चक्कर शादी में भी जाना है, खाली एक चक्कर जाके आना है, वो दूल्हे से मिल के आना है बस, और उनसे कह के आना है मैं आया हूँ। तो चलते हैं फटाफट, तैयार होता हूँ, केक काटते हैं और फिर चलते हैं। हो चुका हूँ मैं तैयार पूरी तरीके से, ऊपर से लेके नीचे तक। और ये देखो ये रहा मेरा केक, अभी केक काटते हैं। सब लोग आ चुके हैं, ये आ चुका है गौरी और मानसी, एक अभी तो तन्नू बिन्नी भी आ रहे हैं, कन्नू से बुलाने गए हैं।
तो उसके बाद काटते हैं केक। हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो, पहले लगा लिए ठीक है। तो टीका लग चुका है, जीत रहे ना, तो टीका भी लग चुका है और अब काट रहे हैं केक। आप तो कई बार हो गया कोई नहीं रहा। बाल बाल ये दिन हो चुका है। नहीं, नहीं। सारे बच्चे जा चुके हैं, हम सबको खिला दिया केक। ये देखो ये बात नहीं, एक चक्कर हम जा रहे हैं शादी में, केक तो काट लिया है और बर्थडे भी मन चुका है, तो एक चक्कर शादी में जाना भी जरूरी है क्योंकि बगल की शादी है, तो वहाँ तो पूरी रात चलेगा कार्यक्रम, इसलिए हम आ जाएंगे तुरंत जाके, बस दूल्हे से मिलना है और फिर आ जाएंगे, तो सीधे चलते हैं। से तो आ चुके हैं पार्टी से, वहाँ मजा नहीं आ रहा था क्योंकि माहौल वहाँ का ठीक नहीं लग रहा था, बहुत बेकार बेकार लोग आए थे दारू वारू पी के, इसलिए हम आगे खाना भी नहीं खाया, अभी तो खाना खुला ही नहीं है वहाँ, तो डांस करने का भी मन नहीं किया वहाँ, तो यहाँ रोटी बन रही है तो रोटी खाते हैं और फिर जल्दी से सोते हैं, बहुत टाइम भी बहुत हो चुका है। और ये लोग जा रहे हैं अभी, कन्नू और ऋषु लोग और मंजू जी लोग कहाँ हैं? मंजू जी लोग मोमो खाने गए, इतनी रात को कहाँ खुला होगा पता नहीं, तो आते हैं तो खाते खाना, ऑफिस होते हैं, तो पार्टी का तो मूड ख़राब हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, मतलब है तो अच्छा, बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी है पर लोग अच्छे नहीं है वहाँ। लोग भी आ चुके हैं, अब खाना खाते हैं, खाना लगने लगाने के बाद गाइस खाना लग चुका है हमारा, तो खाते हैं खाना। गाइस कन्नू ऋषु भी आ चुके हैं, ये तो बर्थडे भी हो चुका है,
बहुत बढ़िया सरप्राइज मिला मुझे। तो आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।